नमस्कार दोस्तों, तो हम स्वागत करते हैं आपका अपने गेमिंग चैनल द पहाड़ी स्ट्रीम में। और ये हमारे लीग का सेकंड टूर्नामेंट जो कि बहुत ही जोरों से स्टार्ट हो चुका है। तो क्या बोलते हैं मेरे साथ है, मेरे दोस्त? जी हाँ, बहुत ही प्यारा मैच होने वाला है। पिछली बार की तरह निक हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस मैच में, और काफी टीमें हमारे पास पुरानी आई हुई है। तो क्या लगता है इस बार पहले मैच की तरह निक भी जीतेंगे दोबारा से? हाँ, उम्मीदें तो काफी बनी, उनके फैन की काफी उम्मीदें उनके साथ अभी भी बनी है, मगर मुझे नहीं लगता क्योंकि इस बार हमारे पास कई काफी नई टीमें आई है और काफी उम्दा प्लेयर भी। जी हाँ, काफी दूर से प्लेयर आए हैं। मैंने तो थाईलैंड की टीम भी देखी है इसमें। जी हाँ, थाईलैंड से भी हमारे पास एक टीम रजिस्टर हुई है। गाइस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। जी हाँ, हो सके तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और हमें पिछली वीडियो की तरह भरपूर प्यार दीजिएगा। जी हाँ, अगर आपको हमारी बातें और इस गेम का प्रदर्शन अच्छा लगा तो कमेंट करना ना भूले। जी हाँ, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इस बार जो है बनी बॉयज, कप्तान बॉयज की टीमें आई हुई है, कोट भाई की टीमें आई हुई है और पुष्कर भाई की टीम भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। तो पुलंकित भी इस बार गेम में मौजूद है। हाँ, ये जीपीएस स्क्वाड उतर चुकी है, देख सकते हैं आप, प्लेन से उतर चुके हैं काफी। तो क्या लगता है आपको इस बार ज्यादा प्लेयर कहाँ उतरेंगे? हॉटस्पॉट जो रहेगा वो रहेगा मिट्टी बेस में, शायद मुझे लग रहा है कि मिट्टी बेस में ज्यादा, मगर नहीं, ये देखिए पोचिंकी की साइड भी काफी मूवमेंट मेरे को नजर आ रही है। जी हाँ, बैटमैन उतर चुके हैं। बैटमैन, जी हाँ, बता दूं ये जितिस की टीम है और जितिस के पीछे ही उनके भाई की टीम भी उतर चुकी है। जी हाँ, ये मुझे तो मैंने तो पहली बार देखा है कि भाई भाई का बदला लेगा, क्या कहते हैं आप? चलिए, ये लैंडिंग हो चुकी है मोदी की, मुझे लग रहा है ग्लिच हुआ है हल्का सा, और ये शॉटगन की स्प्रे दे रहे हैं मगर बच गए हैं वहाँ पे बैटमैन। जी हाँ, दौड़िए 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 बैटमैन, सामान की जरूरत पड़ेगी आपको, आखिर आप बैटमैन अभी तक वो मोदी ग्लिच से निकल नहीं पा रहे हैं। जी हाँ, ये ग्लिच काफी परेशान करते हैं। चलिए देखते हैं, देखिए मोदी जी क्या कर पाते हैं। वो मोदी जी की स्प्रे और ये, जी हाँ, मोदी जी ने नॉक कर दिया है, लॉकडाउन हट चुका है अब। मुझे ऐसा लगता है मोदी जी जिस प्रकार खेल रहे हैं। जी हाँ, पुलंकित बच्चे इनकी टीम के दो प्लेयर ही है, आई थिंक यहाँ पे दो ही प्लेयर उतरे हैं। जी हाँ, नल कोड क्राफ्ट अपना बड़ा सा फेस लेके कहाँ दौड़ रहे हैं। जी हाँ, बैरल मिल चुकी है इन्हें, और इस मोमेंट को देखते हुए टीम नंबर 19 मुफासा उत्तराखंड से आई है ये टीम, लेस डाउन से। लक्ष्य मुफासा, देखिए शॉटगन की स्प्रे मार रहे हैं इतनी दूर। आईएनडी लक्ष्य पीछा करते हुए टीम नंबर 4 का, लगता है कि वो इन्हें पूरा ही स्क्वाड वाइप कर देंगे, उनके पीछे हाथ धो के पड़ चुके हैं वो। जी हाँ, मैं तो कहता हूँ मुंह हाथ दोनों ही धो लीजिए आप। और उनका यूएमपी का स्प्रे पर लगता है उन्हें कनेक्ट हुई है गरुड़ा को। जी हाँ, गरुड़ा के पर काट दिया इन्होंने, मने अच्छी बचे है गरुड़ा। और उनका योर डैडी जो की वहाँ से भागते हुए जान बचा के, यह नाम बिल्कुल शोभा नहीं देता इन्हें जिस प्रकार ये खेल रहे हैं। जिस प्रकार ये खेल रहे हैं, उन्हें अकेले ही स्क्वाड वाइप कर लेना चाहिए था पूरा ही, उन्हें अपने जो उनके टीम है उनका पूरा साथ देना चाहिए था। वो देखिए गरुड़ा के पंख काट लिए हैं अनुवीर चौहान ने, गरुड़ा नौ कुचे के, लगता है वो उनके पास कोई चांस नहीं होगा बचने का। जी हाँ, उड़ान बंद कर दी है उनकी। जी हाँ, पत्थर में छेद करेंगे वो, माजी द माउंटेन मैन। क्या उनके बचाने उनके टीममेट वापस आएंगे? जी नहीं, मुझे नहीं लगता है जिस प्रकार ये देखिए योर डैड तो दूसरी दुनिया में घूम रहे हैं। एक गेम तो उन्हें मिल चुकी है, लगता है वापस जाएगी अपने टीममेट को एक बार, शायद सपोर्ट तो दे थोड़ा सा। जी हाँ, जाना भी चाहिए, इसीलिए ये टीम वर्क की गेम कहलाती है। और लगता है अब आईएनडी लक्ष्य करीब पहुंचते हुए लगता है फिनिश ही कर देंगे पूरा। जी हाँ, फिनिश गरुड़ा, आए राम गया राम। जी हाँ, मैं तो सही कहता हूँ इस बात को, लगता है आईएनडी लक्ष्य की टीम फिर से उस यो डैड पे रश करेगी शायद। जी हाँ, अटपटा सा नाम है कुछ, ये स्क्रीड मेंबर वर्सेस 17 वर्सेस 16 टीम की ये बैटल होने वाली है। इनके बारे में बता दूं कि ये पिछला टूर्नामेंट जीते थे, हाईएस्ट किल थे कोडनिक के पिछले टूर्नामेंट में। जी जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं, क्या पता इस बार भी अपना जादू दिखा लेंगे वो। स्क्रीड मेंबर्स जो कि शिमला की टीम है, हमारे साथ जुड़ी है आज मिस्टर एडी जो इनके करता धरता है, कैप्टन है, वो इन्हें लीड करते हैं। क्या लगता है आपको आदर्श इनके कप्तान कहने के लायक है या नहीं? जी कहा जा सकता है क्योंकि वो काफी अच्छे प्लेयर है, और यहाँ पे फाइट स्टेलबर में शायद फाइट हुई है अभी, और टीम नंबर 23 जो कि टीम BTZ है, उन्होंने टीम नंबर 21 जी हाँ ठीक कह रहे हैं आप, 21 का एक प्लेयर नॉक कर दिया है। नेपटा जी की टीम है जो माल्टू बॉयज, हाँ टीम BTZ IC, काफी अच्छे प्लेयर है, लास्ट मैच में इनका मैंने प्रदर्शन देखा था।
लगता है उन्होंने नेताजी की टीम को स्पॉट कर दिया है, उनपे क्लोज इन कर रहे हैं। मेरे दोस्त आप ये आसन कहाँ कर रहे हैं अखिल भाई? नेपटा जी देख लीजिए, बिल्कुल स्पॉट कर दिया, उन्हें पता भी नहीं है कि एक गेम की नॉक कर दिया है उन्हें, सरप्राइज ही हो गए हैं। नेपटा जी बिल्कुल गलत लेटे हुए थे वहाँ पर, और उनका एक कहाँ लेटे हैं मेरे भाई, और ये पूरी इसकी पूरी स्क्वाड वाइप हो चुकी है, बक्सा बन गया है जो कि 800 में बिक जाएगा। गरुड़ा जी आप कहाँ, माफ कीजिए ये तो निक सराना वगैरह है, निक सराना की पूरी ही पूरी स्क्वाड, कौन बचे? फिजिक्स वाला बचे हैं, फिजिक्स वाला बचा है वहाँ पर उनके पास, क्या वो उन्हें रिवाइव कर पाएंगे तीनों ही मेंबर्स को, उठा पाएंगे? मुझे नहीं लगता है, क्योंकि बहुत मुश्किल टफ काम है ये, अगर आपने तीन मेंबर को आपने रिवाइव देना है तो अलग अलग, यही तो हम कहते हैं हर बारी की स्क्वाड हमेशा इकट्ठी खेलनी चाहिए, अलग अलग खेलेगी तो इसी तरह उनका एक एक करके नाम निशान मिटाते रहेंगे प्लेयर। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, अलग एंगल पकड़ना कभी मुसीबत बन जाती है। देखिए इनके प्लेयर फिजिक्स वाला वापस आते हुए एक मेंबर को शायद रिवाइव कर ही लेंगे ये। जी बिल्कुल, तभी तो इनका नाम फिजिक्स वाला है, नहीं तो केमिस्ट्री वाला नहीं होता। आते हुए करीब और शायद इन्हें पकड़ ही लेंगे। जी हाँ, ऋतिक को पकड़ लिया है इन्होंने, ऋतिक को रिवाइव कर लेंगे। एक से भले दो, बिल्कुल बहुत ही अच्छी गेम खेल रहे हैं वहाँ पर। देखिए उनके ऊपर शायद कोई क्लोज इन कर रहा है। जी हाँ, वीरप्पन इलेवन है ये, वीरप्पन मेरे फेवरेट प्लेयर वीरप्पन है हिमांशु के साथ, उजी उन्होंने चखी हुई है वहाँ पे हिमांशु ने, और उजी की हल्की सी स्प्रे छेद कर रहे हैं ये मेरे दोस्त, पता नहीं है कि शायद ये 1 HP है, नहीं तो वरना यही रोक देते है गाड़ी। जी हाँ, ये तो आसमान में छेद करके बारिश निकालना चाहते हैं। टीम नंबर 10 वहाँ पे शायद, और भी कोड निक पहुँच गए वहाँ, कोड निक टीम नंबर 18 अच्छी पे, और शायद उन्हें एक अंदर झाड़ भी दिया है गाड़ी से ही। जी निक की यही तो खूबी है निक की, इसीलिए तो अच्छे प्लेयर है निक। कोड सौरभ और कोड सौरभ शायद क्लोजिंग करेंगे उनपे। जी बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, टाइप ऑफ स्प्रे पर कोई भी गोली कनेक्ट नहीं हो पाई। जी एक गोली कनेक्ट हुई लास्ट की, जिसमें वीरप्पन की थोड़ी सी हेल्थ कम हो गई है। देख रहे हो आप इनकी स्ट्रेटेजी, एक बंदा पीछे से एडीएस दे रहा है, दो रश कर रहे हैं। जी बिल्कुल यही तो, और काफी अच्छी स्प्रे हो रहे स्क्वाड वाइप कर चुके हैं पूरा, है ठग कोड ठग काफी अच्छे प्लेयर है कोड की टीम के। जी बिल्कुल मुकेश शर्मा अच्छा स्प्रे, M4 की बहुत ही काबिले तारीफ स्प्रे, गाड़ी ऑलमोस्ट फटी गई थी अगर ज्यादा और गोलियां कनेक्ट हो जाती तो। देखिए आदर्श जमीन में ना बजाइएगा, आगे दीवार में आप बजा देंगे तो आपकी पूरी स्क्वाड ही वाइप हो जाएगी। सिटी में उतरे हैं वो वहाँ पे फुल्लू की फन सिटी में चले गए हैं, क्या पता गर्मी का मजा ले रहे हो। सीआर आदर्श दीक्षा नॉक हो चुके हैं, नॉक हो चुके हैं, बहुत ही गंदा प्रदर्शन इनकी टीम का। बीटीएसजी काफी अच्छा खेल रही है, इससे पहले नेताजी की पूरी स्क्वाड वाइप की थी और अब उन्होंने स्क्रीन मेंबर का एक बंदा नॉक कर दिया है। जी नहीं नॉक नहीं, फिनिश कर दिया है, माफ कीजिएगा फिनिश ही कर दिया है, तो उन्होंने पूरा रेड मेंबर के सारे प्लेयर बिखरे हुए हैं। आदित्य ने की स्पॉट हो चुके हैं मेरे दोस्त, यही टीम बीटीसी देख रहे हो आप क्या टीम वर्क के साथ खेल रही है, एक राइट से एक लेफ्ट से फ्लैंक करते हुए, और जहाँ की रेड मेंबर की टीम सब अलग अलग रहे हैं। जी मैं वही तो कह रहा हूँ, आदर्श इस टीम के लायक नहीं है, वो लीड नहीं कर पाते हैं अपनी टीम को। आदर्श जो की कप्तान है इस टीम के, ढंग से इस बार शायद टीम को लीड नहीं कर पाए, इसीलिए उनकी टीम बिखरी हुई लग रही है अभी तक। जी बिल्कुल, वो खुद को ही सेव करना चाहते हैं, अपनी टीम का कोई उनका प्रदर्शन नहीं देखना चाहते। देख रहे हो बीटीजी के शायद वो जा रहे हैं, देखिए आदर्श को घूम रहे हैं निश्चिंत होके, बीटीजी ने शायद स्पॉट कर दिया है उन्हें। जी हाँ, काफी पहले स्पॉट कर दिया था आदित्य नेगी को, अब क्लोज इन करेंगे, उन्हें लग गया है कि एक ही बंदा है और कितना ही कर लेगा वो भी। जी बिल्कुल, अगर आदर्श वहाँ पे होते उनकी पूरी टीम होती तो क्या पता मामला कुछ और होता। जी हाँ बेशक बेशक, अंडर वाटर हो गया ये तो, शायद ने पूरा ही फिनिश कर देंगे, अपना किल सिक्योर करेंगे वहाँ पर। इसी के साथ टीम बीटीजी के वो 15 रुपए पूरे कर दिए इन्होंने अपने, बीटीजी का एक मेंबर समरा ने, समरा ने नॉक किया है आई थिंक। ये बिल्कुल करेंगे और अपने बंदे को रिवाइव करके देखिए आदर्श जमीन में गोलियां चलाएंगे अभी, जिस तरह के प्लेयर है ये आदर्श, टीपीपी का प्रयोग करते हुए वहाँ पर। टीपीपी भी वहाँ कर रहे हैं जहाँ कोई फायदा ही नहीं है, उन्होंने रिट्रीट करने का फैसला लिया और जोन में जा रहे हैं। जी HP 11 तारे आले बहुत ही काफी अच्छे प्लेयर है। कोड की टीम ने एक और स्क्वाड वाइप किया वहाँ पे, टीम नंबर 1 सक्षम पटेल की स्क्वाड का अभी अभी पूरा स्क्वाड वाइप किया उन्होंने। जी हाँ, सुपड़ा ही साफ कर दिया है उन्होंने। मैं कह रहा था ना आपको कोड निक की टीम इस टूर्नामेंट की वन ऑफ द बेस्ट टीम है। देखिए कुछ भी हो सकता है इस गेम में, मैं तो निक की साइड नहीं हूँ बिल्कुल नहीं। आपकी तो शायद इस बारे की टीम जो थाईलैंड से आई इंटरनेशनल टीम हमारी वो फेवरेट होगी। जी बिल्कुल, इंटरनेशनल टीम उसमें सरप्राइज एलिमेंट बहुत सारा है, तम्मो तामी है, फ्यू है जो कि ये देखिए उन्हीं अंक की बात की और वो लोग आ गए उनके
जी हाँ, नोवा स्टार के साथ फंसे हैं वो लोग। आर्टिमिस बहुत ही बेहतरीन प्लेयर, प्रॉक्सिमा और रोहित दीवार में देखते हुए मोही आए हैं। पर जो इनकी स्किन है, जो इनका लूट बॉक्स बनता है उस पर कभी गौर कीजिएगा। गौर कीजिए, यही तो इंटरनेशनल प्लेयर की निशानी है मेरे दोस्त। ऐसे खर्चे है इन्होंने जी हाँ, अमीर लोग है। इलेक्ट्रो रोहित अभी भी AFK बिल्कुल बैठे हुए हैं, उनकी पूरी स्क्वाड वाइप हो गया पर वो हिलने का नाम नहीं लेते। उन्हें स्पॉट कर दिया है, उन्हें उन पे रश करेंगे और ये इन्होंने बंदा उन्हें नॉक कर दिया है। देखिए इनकी क्रेट देख रहे हो आप जी, यहाँ थाईलैंड से क्रेट आई है इनकी इम्पोर्ट करा के कोडनिक, जो की थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऊपर से कोरोना वायरस वाली क्रेट है इनकी, थर्ड पार्टी करने की कोशिश कर रही है कोर्ट की टीम। ये हर जगह पहुंच जाती है टीम, जहां भी फाइट होती है थर्ड पार्टी करने हर जगह पहुंच जाती है ये टीम। अभी तो ये टीम जीतने आई है। ओहो इलेक्ट्रो रोहित, आप गर्लफ्रेंड से ही बात कीजिए मेरे दोस्त। ये AFK ही थे हुए जी, गर्लफ्रेंड का फोन आ जाता है तो गेम गूम सब भूल जाता है आदमी। कोर्ट की टीम ऊपर से पूरा देखती हुई भी, अमन एक बैटमैन ने बीस्ट पुष्कर को नॉक कर दिया है। आई थिंक ये रजत जस्ता की स्क्वाड है जी। हाँ जी हाँ, पुष्कर भाई की स्क्वाड आई थी इस बार हमारे टूर्नामेंट में। लोन बुल्स ने पुष्कर को डेड कर दिया है, देखते हैं उनके ऊपर। पीएम मोदी ने बीच दीक्षु को, पीएम मोदी ने दीक्षु को पूरा ही क्रिश कर दिया है। चलिए मोदी जी इसी बात पर बैटमैन का अच्छा स्प्रे जस्ते की ओर, और जस्ता जिगल जिगल करते हुए पद खत्म कर दिया। और जो उनके कप्तान जितिश है उनको अच्छा ही लीड कर रहे हैं कुछ, क्योंकि देख सकते हो आप पहले अपने भाई की स्क्वाड और फिर पुष्कर भाई की स्क्वाड का पूरा नामो निशान मिटा दिया है। जी हाँ बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। देख रहे हैं आप एक और मुफासा और टीम नंबर 924 ING रैप्टर बहुत ही समय पहले स्क्वाड वाइप कर चुके हैं और अपने पूरे दोनों बंदे को रिवाइव करेंगे। उत्तराखंड से टीम आई है, ये उत्तराखंड की टीम आई है। ये काफी अच्छी टीम है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जैसे लाइक इनका गेम प्ले है पहले गरुड़ा की टीम और फिर ये टीम पूरी स्क्वाड वाइप कर चुके हैं। ये जी बहुत ही बेहतरीन गेम का प्रदर्शन कोडनिक करते हुए देख रहे हो आप। ये आप भी ठीका स्ट्रेटजी फॉलो कर रहे हैं बेहतरीन। चंद्रू बाबा कहां लेटे हुए हैं भाई साहब, ओपन में नॉक कर दिया है चंद्रू बाबा को। ठग लगता है अब ये घर पे रश करेंगे स्क्वाड हाउस, जो कि एक कैंप करने के लिए सबसे बेस्ट जगह मानता हूं मैं तो, क्या कहेंगे आप। लेकिन कई बार करते हैं पूरा और अच्छा नेट लगता है, काफी अच्छा नेट और एक नॉक कर दिया है। मौली के प्रयास वापस पर निको ये जलाना चाहते हैं पूरी तरह से, लगता है उन्हें क्लोजिंग करना चाहिए। हंट को नॉक कर दिया है उन्होंने, अब तो वो कहीं क्लोजिंग करेंगे जी। बिल्कुल बिल्कुल, इसके पास एक बंदा आ जाए वो तो पूरी ही अकेले ही स्क्वाड वाइप कर लेंगे। मैं तो मानता हूं अगर निक अकेले भी जाए तो काफी अच्छा खेल पाएंगे। और ये स्ट्रेटजी देख रहे हो आप, थाईलैंड वाली स्ट्रेटजी है ये जो कार ऊपर सारे थे पैरन और इके में। चलो सौरभ का अच्छा स्प्रे और पूरे स्क्वाड वाइप कर चुके हैं। मैं कहता था ना आपको कोर्ट की टीम जो की श्रृंखला की सबसे बेस्ट टीम है जी। मैं इस गेम को देखिए इनकी ये स्ट्रेटजी देख के मान चुका हूँ। जो की पूरा स्क्वाड वाइप कर चुके हैं मेरी नई फेवरेट के अभी तक नीचे है कि जीरो किल जी, थ्री किल्स है, माफ कीजिए थ्री किल्स माफ कीजिए। बैटमैन की स्क्वाड जो कि कप्तान जितेश शक्तेत लीड कर रहे हैं वो अभी भी जिंदा है, लगता है नॉक हो गए हैं जी। मेरी फेवरेट टीम और आपकी कोर्ट की टीम के बीच फाइट होने वाली है, थाईलैंड वर्सेस इंडिया होने वाला है मेरे दोस्त। मैं तो इसमें इंडिया की साइड ही रहूंगा, क्यों नॉक हो चुके हैं वहाँ पर उसी स्पीड से ये रिवाइव भी हो रहे हैं। लगता है उन्हें जोन का काफी डैमेज पड़ेगा क्योंकि ये फोर्थ थर्ड या फोर्थ जोन है शायद। देखिए कोर्ट सौरभ भी नॉक हो चुके हैं, इक्वल कर दिया है इन्होंने बिल्कुल। निक जो कि काफी अच्छी सक्सेस स्प्रे मारते हैं, देखा गया था पिछले मैच में भी जी। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ही देर है। कोड इनसेन जो कि टीम नंबर 6 को एक बड़ी गाड़ी को स्पॉट कर दिया है, फॉलो करेंगे लगता है उन्हें शायद। जी हाँ बिल्कुल फॉलो करेंगे उन्हें। आर्टेमिस जो कि टीम नंबर 6 के आखिरी प्लेयर बचे हैं। जी हाँ, सोल वुल्फ है अपनी टीम के। सोल वुल्फ नहीं, लोन वुल्फ होता है वो। नहीं मैं तो सोल ही कहता हूँ। मोदी जो कि टीम नंबर 6 के आर्टेमिस के ऊपर स्प्रे मारी है पूरी। जी हाँ, लॉकडाउन खत्म करना चाहते हैं मोदी जी। बिल्कुल मोदी जी जो कि जितिश कप्तान है इनकी टीम के, वो इन्हें अभी भी लीड करते हुए काफी अच्छा लीड कर रहे हैं मेरे हिसाब से तो। वो जी आर क्यू जितिश काफी अच्छे प्लेयर हैं, इनकी KD भी 4.5 की है जोन के अंदर, जो कि
दो ड्रॉप के लिए है, लगता है कोई खाने के इच्छुक नहीं है उसे। जी हाँ बिल्कुल, ये आर्क और जीतीश का प्लान हो सकता है पूरी तरह से। क्या ये वो ड्रॉप कैंप कर रहे हैं? जी बिल्कुल, आर्क और जीतीश की यही शैली। स्पोर्ट सौरभ, उन्होंने आर्क और जीतीश ने नॉक कर दिया है वहाँ पर स्पोर्ट सौरभ को, लगता है वो क्लोज इन करेंगे। देखिए क्या कहते हैं, बैटमैन ने स्मोक कर दिया है, आर्क और जीतीश अपना अलग एंगल पकड़ के जा रहे हैं। लेफ्ट फ्लैंक किया है उन्होंने, एक अगर वहाँ से वो नेट कर दे तो लगता है वो पूरी स्क्वाड ले सकते हैं अकेले ही। जी हाँ बिल्कुल, स्क्वाड वाइप कर सकते हैं वो निक की, वो अकेले ही रखते हैं कैपेसिटी। वो आर्मी है अपनी टीम के, पूरी स्क्वाड वाइप कर देंगे। ये हमारे साथ मेरे नए दोस्त जुड़ चुके हैं जो कि एक बेहतरीन कमेंटेटर है। कमेंटेटर के साथ साथ वो एक अच्छे पबजी प्लेयर भी है। पबजी भी हम खेलते हैं पर अभी उतना पीरो नहीं है। जी बिल्कुल, आप बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं पबजी, हम आपके साथ खेल चुके हैं। और इस मैच में साकुर सोनू 16 अलाइव है अभी भी, टीम चार टीमें बची है शायद, अब तो पूरी स्क्वाड वाइप कर दी है एक कोड इंसेन की टीम ने। जी निकी सिक्स की बहुत ही बढ़िया स्प्रे, क्या कहते हैं मेरे दोस्त? बहुत ही अच्छा स्प्रे दिया है पर शायद कुछ हुआ नहीं। नहीं, इन्होंने नॉक कर दिया है कोड, नहीं ये माफ कीजिए कोड इनसे नॉक हो चुके हैं इनकी टीम से। बैटमैन जो भी अभी भी अपनी टीम के लिए अकेले ही जिंदा बचे हैं जो कि लोन वुल्फ घुटने टेक चुके हैं। घुटने टेक चुके, जहाँ तक मैं लोन वुल्फ को जानता हूँ वो अमन को भी टेक देंगे अपना। जी बिल्कुल, ये मौका ही ऐसा ही माथा भी टेकना पड़ेगा। मोदी जो कि ओपन में रश कर रहे हैं, उन लगता है स्पॉट कर दिया है कोड निक ने, सौरभ ने, सॉरी मोदी जी। और वहाँ पे अच्छी स्प्रे 4x की और एक नॉक कर दिया है मोदी जी को, मोदी जी को पूरा फिनिश करेगा और पूरा फिनिश कर दिया है मोदी जी को, जान गए। जी बिल्कुल मोदी जी, यही होता है जब आप लॉकडाउन खत्म नहीं करते हैं। और ये अपनी जी वैगन में चल पड़े हैं, लगता है वो वहाँ से जाने की तैयारी में जोन जा रहे हैं। वो बैटमैन जो कि अकेले ही बचे हैं अपनी टीम के लिए, आगे इनके पास आग लगी है बैटमैन, इन्हें लगता है कोई हथियार की जरूरत नहीं है स्क्वाड वाइप करने के लिए। बैटमैन अकेले बिना हथियार के भी पूरी स्क्वाड वाइप कर सकते हैं। वो माफ कीजिए ज्यादा ही हो चुका है कुछ, आप नशे में लगते हैं। फिक्शन फिक्शन ट्रैक्टर की बात कर रहा हूँ। जी बिल्कुल, आप भावनाओं में बह जाते हैं मेरे दोस्त ज्यादा। इन्होंने तो स्मोक के साथ बादल ही जमीन पे ला दिए हैं। ये बारिश की कमी है, बस बारिश करा दी। बैटमैन जोन की ओर जाते हुए अपने आप को पूरा बूस्टअप करके जाएगा लगता है वहाँ पर। ठाकुर सोनू अकेले ही बचे हैं, वो भी ओपन में, वो जैसे ही उनका स्मोक हटेगा वैसे ही वो स्पॉट हो जाएगा और वो फिनिश हो जाएगा। सामने देखिए निक ने स्पॉट दिया और पूरा फिनिश कर दिया है। इसी के साथ हरा धुआं उठ रहा है हमारे पास इस टूर्नामेंट की टॉप थ्री टीमें मिल चुकी है जो की है कप्तान 11 की टीम और DMR और कोड निक की टीम। लगता है कोड निक का फिर से एक बार कप ले जाएंगे टूर्नामेंट को, लगातार दूसरी बार जीत के। माफ कीजिए बैटमैन अलाइव है, बैटमैन स्पॉट होती है और बैटमैन को फिनिश कर दिया। खेल समाप्त। यहाँ दोस्तों हमें मिल चुकी है अपने टूर्नामेंट की टॉप टू टीमें जो कि है DMR और कोड की टीम। कोड की टीम और देखिए अपने लिए कवर बनाया है बहुत ही बेहतरीन कवर। मैं कहता हूँ ना हमेशा कि अगर आप ज्यादा से ज्यादा व्हीकल लेके अपने साथ चलोगे तो ओपन में जोन बनने पे कवर बनाने के काम भी आता है ये। जी बिल्कुल, DMR और रामन दोनों ही अच्छी स्प्रे वहाँ पर ज्यादा डैमेज ना कर पाए वो DMR की स्क्वाड को। कोड इनसेन लीड कर दिया है कोड इनसेन को। हग कोड इनसेन सौरभ और निक, ये अलग ही इनका अलग ही कॉम्बो बनता है जब ये इकट्ठा खेलते हैं। जी ब्रदर्स ऑफ डिस्ट्रक्शन कहता हूँ मैं तो इन्हें। निक लगता है अब क्लोजिंग करने वाले करेंगे, जैसे इनका एक नॉक होता है उन्हें क्लोजिंग कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से तो। जी ये निक की पहले निक उन्होंने विजार्ड नॉक हो चुके हैं और वो क्लोजिंग करेंगे शायद। रावण वहां पर NXT रावण फील करते हुए अपने आप को क्लोजिंग कर चुका है। निक क्लोजिंग कर चुके हैं और वहां पे पीछे से पूरा उन्हें एडियस देते हुए सौरभ पर निक अकेले ही क्लोजिंग करते हुए उन्हें स्पॉट किया और विजार्ड को पूरा ही फिनिश कर दिया है। निक और निक वर्सेस रावण, देखते हैं क्या होता है वहां पर। और निक ने स्पॉट किया पूरी और ये अपनी ओर ले गई है फिर से एक बार कोड की टीम। तो हम आपका धन्यवाद करते हैं, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें।